नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। न जाने आजकल समाज के लोगों को कौन सी भावना उत्पन्न हो गई है, छोटी सी बातों को लेकर भी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जिसमें बताया जाता है कि मोहम्मद सज्जन, जो कि रात के करीब 10 बजे अपने घर के पीछे जो पुल था वहाँ पर एक आदमी को बैठा हुआ देखे, तो उन्होंने जैसे ही टॉर्च लाइट जलाया तो उन्होंने पाया कि अपने गाँव का एक शख्स वहाँ पर बैठा है। तो उस शख्स से पूछा कि लाइट क्यों जलाया, तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है, हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर कौन बैठा है, बस फिर क्या था, अपनी गाड़ी से लाठी निकाला और सबको मारना शुरू किया। मोहम्मद सज्जन अपने गांव भागने की कोशिश की है, जिसे घेर कर तकरीबन 4 लोगों ने बुरी तरीके से घायल कर दिया, जिससे उनका सर फट गया और दोनों उनके जो चाचा थे उनको भी बहुत ही मार मारी और यहाँ तक कि उनकी माँ और दो बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत बुरे तरीके से मारा और इलाज के लिए वहां से DMCH भागकर आना। इन सभी तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से तेज धार हथियार से सर पर वार किया गया होगा। ये कौन है? आपके भतीजा हुआ। अच्छा, इनके साथ जो रात को हुआ उस समय आप मौजूद थे या आप बाद में? मौजूद नहीं थे, ड्यूटी पे थे। अच्छा, हम लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, मतलब 8:30 बजे आए घर से। हाँ, गाँव में भी बैठे हुए थे, गाँव में बैठे हुए थे, तो उसके बाद हम गए घर पे, रोटी वोटी खाए, छत पर गए सोने के लिए, तो देखे इसको हल्ला हो रहे थे, हम बोले वैसे आपस में हल्ला हो रहा है, तो हम बोले उतना अच्छा फोन करे इसको, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तब उसके बाद क्या किया, अपना घर के नीचे से तरफ का हम गए खाली हाथ, तो ये बोले थे देख रहे बहुत आदमी जा रहा था, तो हम भी उसके साथ में अपना जाने लगे वहाँ पर गए, बगैर लाठी के बगैर कुछ के साथ में गए। इसको देखे तो पूरे गर्मी से इसको मतलब फोर रहा था। हमने बोले भाई चलो गांव वाले को दिखला देते हैं, जब गांव वाले के बोले दिखलाने के लिए थोड़ी दूर गए कि हम पर भी लाठी चार्ज कर दिए। किसने लाठी चार्ज किया सबसे पहले? मतलब वो तीनों बाप से चार्ज लाठी चार्ज किया। अच्छा, वो लाठी चार्ज करने लगे, हमको गांव वाला पकड़ लिया, हमारे हाथ में लाठी थी, हमने उसके हाथ से लाठी है वो छीन नहीं पाए। अच्छा, लाठी मतलब हाँ लाठी पकड़े हुए लेकिन नहीं छीन पाए हम उसको। हम कहे गांव वाला हमको पकड़ लिया, जब भाई आपस में मत झगड़ा करो, तुम बाहर निकलो बाहर निकलो, कहे मारा जाओगे आप, आपके हाथ में कुछ नहीं है, मारा जाओगे। हमने अपना सोच कर हम दोनों भाई अपना घूर कर चला है। गाँव वाला कोई मदद नहीं किया? गाँव वाला बोला ठीक है भाई, फिर सर उसको अच्छी करो, अपना मोहल्ला में बैठा, बोले भाई इतना गर्मी से फटा हुआ है, पहले इलाज तो करवाएंगे ना। बोला ठीक है आप यहाँ जाइए इलाज करवा लीजिए। हम बोले इससे उनका कोई क्रिमिनल इतिहास भी है? हाँ है, उससे पहले के भी है, क्रिमिनल इतिहास है। हाँ है, सब गांव में जानता है उसको, अच्छा आदमी है, पूरे गांव मोहल्ले का आदमी जानता है, जानता है। हाँ, हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो सब जानता है जो वो कैसा आदमी है। कहाँ पर आपको चोट लगी? हमारा चोट लगा हुआ है, ये पोखरा में उतर रहा है, ये पोखरा में उतर रहा है, ये हुआ है, ये इस पर लगा हुआ है, दो तीन लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद संजूर। कहाँ घर है? आमापट्टी। पंचायत? उघरा महापारा। वार्ड 2? कौन सा थाना है? हाँ थाना बहादुरपुर।